गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 गोपाल जय जय गोविंद गोविंद गोपाल जय जय गोविंद गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय पर गीता जी गाय गीता जी गाय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल वृंदावन में राधे राधे सेवा कुंज में अदान गली में अदान गली में कुंज गली मदन मोहन है ना। हाँ देखो आज हमारे मदन मोहन प्रभु जी अपना घर में ये सत्संग करवा रहे हैं। अभी सुन रहे थे ना साधारण भाग्य से ये सत्संग नहीं। जिसको ब्रह्म ठाकुर जी की विशेष कृपा हो पार्वती तभी जीवन में ये सत्संग मिलती है, नहीं तो पार्वती जीवन में ये सत्संग सहज में नहीं मिलता। आज जिस घर में ये सत्संग और प्रभु का कथा हो, भागवत में कहते हैं सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाच्युतादर कथा प्रसंग, जहां पर अच्युत का कथा हो कीर्तन हो वो घर घर नहीं रह जाता है, वो घर गोलोक वृंदावन बन जाता है। पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ आकर के उस घर में निवास करते हैं जिस घर में ये सत्संग हो। इसलिए उन्होंने आज सब भक्तों को बुलाए, घर में कीर्तन हो रहे हैं, घर में सत्संग हो रही है। समझो ये बड़े भाग्य से जीवन में ये सत्संग जीवों को प्राप्त होता है। इसलिए हमारे मदन मोहन प्रभु जी आज उन्होंने सब भक्तों को बुलाया। निकले जोरदार ताली बजा। किधर अब घर वाली कहाँ गई? भगवान घर 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 ऊपर चल रही। ठीक कोई बात बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। देखो नियम है सत्संग से कुछ लो और कुछ दो। बोले ले किया और दे किया, बोले जितने गंदी चीज को ही छोड़ कर चले जाओ।
बोले ले क्या, बोले भगवान की भक्ति और भगवान का नाम को सत्संग से ले करके जानी चाहिए। इसलिए भागवत में बताया जो गंदी चीज, चार गंदी चीज है, चार स्थान पर ये पाप का निवास है, इसलिए ये चार पाप को त्याग देनी चाहिए। बोले क्या क्या है, पहला नंबर दुतम, दुतम मतलब होता है जुआ, जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया, देखो मैं चक्रवर्ती में सम्राट था लेकिन जुआ खेल करके सारे सत्यानाश हो, द्रौपदी का वस्त्र हरना भी देखना पड़ा, 12 साल तक जंगल में भटके, 1 साल तक विराट राज्य में अज्ञातवास में रहे, खबरदार कभी जुआ में हाथ मत लगा। अगर कोई जुआ खेलेगा तो धर्म का पहला चरण सत्य, सब सत्य खत्म हो जाएगी, वो झूठ ऊपर झूठ बोलेगा। दूसरा नंबर है पानम, किसी तरह का नस्ली वस्तु का मतलब, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग गुटका है, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। यहाँ तक भी चाय भी गंदी चीज है, बोले चाय में क्या दोष है, बोले चाय के पत्ते में कोई दोष नहीं, उसमें एक निकोटीन और कैफीन डालते हैं। देखना जो व्यक्ति शराब पीता है, शराब पीने का समय आ जाए, अगर उसको शराब नहीं दिया जाए क्या होगा, बेचैनी सी। जो चाय पीते हो, चाय पीने का समय आ गया अब नहीं पियो, क्या होगा बोलो, आप लोग बताओ, सर दर्द होना शुरू हो जाता है, क्यों, उसमें कैफीन और निकोटीन उसमें डाला हुआ है। इसलिए हर्बल टी लो, प्रज्ञा लो हैं, इसलिए गोकुल टी लो, जिसमें कोई नस्ली वस्तु नहीं हो। इसमें क्या होता है, अपना तपस्या खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति ये शराब आदि ग्रहण करेंगे नस्ली वस्तु, वो भगवान की भजन नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते। दूसरा है स्त्रियम, कहते स्त्रियों के ऊपर में भी कली का निवास है। भैया पर स्त्रियों के ऊपर क्यों कली का निवास हो गया, बोले जो अवैध रूप में जो स्त्री पुरुष और पुरुष जो स्त्रियों से मिलते हैं, ये गंदी चीज है, संसार करो, शादी करके अपना धर्म पत्नी को साथ में अपना घर गृहस्थी को निभाओ, ऐसे नहीं बगैर शादी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के घूम रहे हो। शास्त्र इस चीज को एकदम मना किया, शास्त्र है बहुत पाप लगता है, यहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा नंबर है जीव हिंसा, जीव हिंसा में जैसे मांस खाना, मछली खाना, अंडा खाना, मुझे लगता है आप लोग तो कोई लेते हो नहीं होंगे, आप लोग बहुत राजस्थान बिरा के देश के लोग हो इसलिए, लेकिन एक चीज ये प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए है। आप लोग भैया प्याज लहसुन में क्या है, वो प्याज लहसुन तो मिट्टी से निकलता है, ये प्याज लहसुन में क्या, इसमें क्यों नहीं खानी चाहिए। हमारे शास्त्र में एक पुराण में कथा आई है, ये प्याज लहसुन जैसे नवरात्रि आती है ना, अब 9 दिन तो कोई खाते हो गई, कोई नहीं खाते ना, 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा इसलिए ये चीज को कहते, एक पुराण में कथा आती है, बोले पहले ऋषि मुनि लोग आश्रम में गैया पालते थे, गैया माता है, गो माता बोलते ना, 33 कोटि देवता का निवास है, अगर कोई गैया बूढ़ी हो जाए उसको मारने नहीं देते, ऋषियों के पास में इतने मंत्र शक्ति होती थी, उसको यज्ञ करके बलिदान देते थे, लेकिन जब मंत्र पढ़ते थे वो बूढ़ी गैया भी जवानी हो जाती थी, इतनी शक्ति थी मंत्र में। कोई गैया बूढ़ी हो गई, उन्होंने यज्ञ की, उन्होंने व्यवस्था की और उसको बलिदान देकर सबके हाथ में मांस दे दिया, बोले सबके सब आहुति डालना। हर तरह के व्यक्ति होते हैं, किसको देकर खाने की इच्छा हो गई, बोले सब सामने खाए गई से उसने राख में छुपा दी, सबके सब आहुति डाले, ऋषि मंत्र पढ़े, जवानी एकदम गैया जो बूढ़ी थी जवानी होकर प्रकट हुई, लेकिन जिस अंग का मांस को छुपाया था देखा इतना बड़ा घाव बना हुआ, ऋषि तो साधारण थे नहीं, त्रिकाल दृष्टा, ध्यान लगाया देखा किसने मांस के खाने के लिए राख में छुपाया, अभिशाप दे दिया, बोले जहां पर ये मांस को छुपाया मैं अभिशाप देता हूं वहां पर प्याज की पौधा होगी, जैसे मांस से बदबू निकलता है, कहती ये प्याज से बदबू निकलेगा। अब देख लेना जैसे कोई कच्चा प्याज खाए ना, सामने किससे बात नहीं कर सकते, इतने मुंह से बदबू निकलती है, यहाँ प्याज को काटो पता चलेगा कहीं प्याज कट रही है, आंखों से आंसू आ जाती है, हैं? इसलिए देखना गोविंद देव को भोग लगता है, गोपीनाथ जी, शंकर जी, हनुमान जी, इनको कोई भोग लगता है, मैया देवी, इसलिए नवरात्रि आई तो 9 दिन तक ये चीज को कोई ग्रहण नहीं करते हैं, क्यों, कारण है ये सृष्टि वो गंदी चीज से ये चीज सृष्टि हुई है, इसलिए
ये चीज को हमें त्याग दे देनी चाहिए। और देखो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जो व्यक्ति मेरे को भोग ला कर खाते हैं कहते वो अमृत भोजन करते हैं। जैसे मीरा देखा नाम सुने होंगे, राणा ने भेजा 20 का प्याला, लेकिन मीरा क्या करती थी जब तक गिरधर लाल को भोग नहीं लगाए तब तक भोजन नहीं करती थी। बस गिरधर लाल को भोग लगाए तो वो अमृत हो गया, जहरवी अमृत हो गया, उन्होंने पान कर लिया है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते जो चीज मेरे को भोग नहीं लगता है कहते भुंजन्ते तु अघम, वो केवल पाप भोजन करते हैं, लेकिन जो मेरे को भोग लगा कर खाते हैं वो अमृत भोजन करते हैं। इसलिए भगवान को भोग लगा करके सुदामा का नाम सुने हो, कौन कौन सुदामा जी का नाम जानते हो? सब जानते हो। अब टीवी में देखे होंगे ये गरीबी क्यों बना, ये धनी क्यों बना, ये गरीबी क्यों बना। जब ये गुरुकुल में थे उनको गुरु माता ने सुदामा को चाना दिया, बोले कृष्ण को दे कर खाए, लेकिन उसने पेड़ के ऊपर बैठ बैठ कर छुपा छुपा कर खाया, खाया कि नहीं। इसलिए भगवान को नहीं देकर खाया इसलिए गरीब बना। धनी का बना जब भगवान को दर्शन के लिए गए, दो मुट्ठी चिड़वा लेकर गए थे ठाकुर जी, दो मुट्ठी खा करके जब तीसरे मुट्ठी खा जा रहे थे रुक्मणी हाथ पकड़ी, नहीं प्रभु जी अपने दो मुट्ठी खा लिया तो उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य भर गया, अगर तीसरी मुट्ठी खाओगे मैं जो लक्ष्मी घर में दासी बन जाओगी। अब देखे होंगे जब सुदामा वापस आता है क्या देखता है, राज महल बनी, राज रानी बनकर के पत्नी बैठी हुई, अभी अपना पति को आरती उतारने के लिए आई, सुदामा पीछे हट रहा था। इतने में सुशीला कहती आप पीछे क्यों हट रहे हो, बोले तू है कौन, बोले मैं वही आपका सुशीला, बोले ये सब क्या है, बोले आप ठाकुर जी के लिए दो मिट्टी चिड़वा लेकर गए थे ना, ठाकुर जी दो मिट्टी खाए तो त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी दे दिए, ठीक है ना। बताओ गरीबी चाहते हो ना, पैसा वाला चाहते हो, बताओ ये लक्ष्मी को कौन नहीं चाहती, दुनिया चाहती है। अगर चाहते हो घर में लक्ष्मी आए ठाकुर को भोग लगा कर खाओ, क्या करो। लेकिन कुछ कुछ लोग ये कहते हैं हम तो ठाकुर को भोग लगाते, बोले कैसे, बोले खुद प्याज लहसुन डाल कर शाही पनीर मटर पनीर दाल बाटी चूरमा खूब चकाचक खाते हैं, आप ठाकुर जी को थोड़ी सी एक ग्लास भोग दूध लगा दिया, नहीं तो ठाकुर को सामने एक बतास रख दिया, बोले ऐसे भोग लगाते नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए है। जैसे मानो एक उदाहरण दिया है, जैसे तुम्हारे घर में कोई नौकर रहता है, वो नौकर बढ़िया बना बना कर खाता है, लेकिन जो माली को जैसे तैसे उसको सामने धर देता है। अगर माली को ये बात पता चली मेरे नौकर बढ़िया बढ़िया भोजन खाता और मेरे को जैसे तैसे दे देता है, बताओ वो माली क्या करेगा, नौकर वो क्या करेगा, धक्का मारकर निकाल देगा घर से। इसलिए घर का मालिक हम ना, घर का मालिक ठाकुर जी है। अरे बोलो कौन घर का मालिक कौन है, वो क्या देख नहीं रहे तुम क्या कर रहे हो, वो देख रहे कि नहीं, वो सब चीज देख रहे। इसलिए घर से प्याज लहसुन को हमें त्याग दे देनी चाहिए, प्याज लहसुन हमें नहीं खानी, ठीक है ना। कोशिश कर एक चीज को छोड़ दोगे ना बस सब घर पवित्र हो जाएगा तुम्हारी। इतना दूर तक कोशिश करना प्याज लहसुन छूट जाए, जो कुछ खाए भगवान को भोग ला कर खाए, ठीक है। इतना चीज कर लियो, कर लोगे कि नहीं, करोगे कि नहीं, हंसने क्या लग गए तुम्हें, बताओ करोगे कि नहीं करोगे। हाँ इसलिए सुंदर कपूर किधर से, इसलिए जरूरी ये काम क्या करना। हाँ इसलिए यहाँ पर बताए हर चीज भगवान की भोग में लगनी चाहिए। हाँ इसलिए कहते हैं चार चीज में ये कली का निवास है, इसलिए ये चार चीज हमें छोड़ देनी चाहिए हैं। और ग्रहण क्या करनी चाहिए, हमें भगवान की भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। क्या ग्रहण करनी चाहिए, जोर से बोलो, भगवान की भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन अभी प्रश्न है ये भक्ति कहाँ पर कलयुग में, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले बोले कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। भगवान बोले भगवान कलयुग में हरि से बड़ा हरि का नाम है। ठाकुर जी कलयुग में जीव को कल्याण करने के लिए अपना नाम रूप में ठाकुर जी आए, अभी नाम की इतने महिमा सुन रहे थे ना हैं। इसलिए अंतिम समय में और कुछ भी जानने वाले नहीं, अब देखना जब शरीर छोड़ता है चार व्यक्ति जब कंधे पर ले जाते हैं, अब सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, ये बात किसको सुनाते हैं, वो जो ऊपर जो लेटा हुआ व्यक्ति उसको सुनाते हैं,
बोले देख बेटा, जितने जीवन में राम का नाम लियो हो, कृष्ण का नाम लियो, तेरे साथ में वही जा रहा है। इसके सिवाय जीवन में तुमने जो कुछ इकट्ठे किए हो, जीवन में जो कुछ किए हो, कहते सब कोई बात झूठा है। तुमने अपना जीवन केवल झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी अभी तेरे साथ यहां से नहीं जा रहा है। पत्नी जाएगी, जिसको सात फेरा लगा करके तुमने शादी की थी, पत्नी जाएगी तो कहां तक जाएगी? दरवाजे तक जाएगी, उसको आगे नहीं जाएगी। और परिवार वाले कहां तक जाएंगे? शमशान तक जाएंगे, उसको आगे तुम्हारे साथ में कोई जाने वाले नहीं। तो जाएगा तो क्या जाएगा? इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल का दी मेरे सदा गुरु, कृपा करे अपनाए। पायो जी राम रतन धन पायो। अब सब घर घर में ये भजन आप लोग आते हो, मीरा कहती है पायो जी मैंने पाया, क्या पाया है? राम रतन धन पाया, जितने प्रभु का नाम लिया वही पाया, और जगत में सब ही खोया है, जगत में सब कुछ खोया है। बोले ये धन कैसे है? बोले चोर नहीं लेबे, लुटे नहीं जाबे, दिन दिन बड़ा तसबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। ये ऐसे के धन है जिसको चोर चोरी करके नहीं ले सकता है, इसको कोई लूट नहीं सकता, ये फूटने वाले नहीं। जो धन केवल बढ़ती रहती है, जो धन केवल बढ़ती रहती है, घटेगी नहीं। जैसे मानो आज हमारे पास में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, कितना? 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। अभी ये शरीर तुम्हारी छूट जाएगी, बताओ कितना पैसा जाएगा साथ में? एक 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 पैसा भी जाएगा? एक भी पैसा छू नहीं सकती यहाँ से। शरीर छूटते ही सारे संबंध नाता सारे तुम्हारी यही रह जाएगी, है यही रह जाएगी। लेकिन जाएगी तो जाएगी क्या? मीरा कहती है जितने तुम्हें राम नाम रूपी धन को तुमने जितने लूटे हो, केवल तेरे साथ में वही जाएगा, और यहाँ से कोई भी हाथ में जाने वाले नहीं। इसलिए क्या करो? भगवान के नाम को जप करो कि यही धन ही जाने वाले। अब कभी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अभी प्रश्न होता है हमें क्यों भगवान का नाम करनी चाहिए, किस लिए? ध्यान से सुनो, कथा के बाद में किसको मैं पूछ सकता हूँ, जो बोलेगा ना उसको मैं इनाम दूंगा, जो नहीं बोल पाएगा बीच में खड़े कर दूंगा। ऐसे ऐसे सुनो, ध्यान दे, ठीक है? भगवान के हरिनाम हमें क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए? बोले एक समय कोई एक गरीब था, जो दरवाजा दरवाजा पर भीख मांग रहा था। अभी उसने भीख मांगते मांगते एक बहुत बड़ा जमींदार घर में पहुंचा, बोले बाबूजी कुछ भीख दे दो, 3 दिन से भूखा हूं, तेरा भला होगा, कुछ दे दो, 3 दिन से भूखा हूं। इतने में सेठ निकल करके आया, बोले भैया तू तो हट्टे कट्टे हो, काम भी करके तो पैसा कमा सकते हो, ये भीख क्यों मांग रहे हो? बोले मजबूरी से। बोले क्या मजबूरी? मैं कोशिश तो करता हूँ काम करने के लिए, लेकिन सोने में भी हाथ लगाऊ ना वो मिट्टी हो जाता है, इसलिए लास्ट में मेरे को ये भीख मांगने का सिवाय और कुछ मिला ही नहीं। बोले देख बेटा, मेरा बहुत बड़ा चावल का बिजनेस है, आज से मैं तेरे को अपना पार्टनर बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? अगर कोई गरीब कोई भीख मांगे व्यक्ति कोई सेठ घर में जाए, अगर वो बोले मैं तुम्हारा पार्टनर बना देता हूँ, कितनी बड़ी बात है। लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ, बोले मेरे साथ में हंसी दिलक तो नहीं कर रहे हो? अरे कुछ भोजन नहीं देना मना कर दो ना, आप क्यों, आप कहाँ इतने बड़े जमींदार, हम कहाँ भीख मांगने वाला हूँ, आप कहे तो पार्टनर बनाओगे? बोले देख बेटा, मैं झूठ नहीं सच कहता हूँ, अगर बोलोगे ना ये पूरा के पूरा बिजनेस में तेरे को दे देता हूँ, पूरा का पूरा बिजनेस दे देता हूँ। बोले अगर आप बिजनेस दे दोगे ना, रात दोगुना रात दिन रात दिन दोगुना दो दोगुना रात चौगुना का मेहनत करे खूब पैसा कमाऊंगा। बोले देख बेटा एक शर्त है। बोले क्या? बोलो। बोले उसमें जो प्रॉफिट ही होगा ना 10% मेरे को दे देना और 90% तू रख लेना। क्या बात हुई? 10% मालिक को और 90% किसको? वो भिखारी को। बोले बाबूजी कोई चिंता मत करो, महीना खत्म होने से पहले पैसा आपको पहुंच जाएगा। सारे बिजनेस दे दिया, चकाचक बहुत बड़ा बिजनेस।
अरब खरब रुपया कमाया, लेकिन बोल रहा था एक महीना पहले से दे जाऊंगा, लेकिन जब महीना बीत गया ना वो व्यक्ति कुछ भी देने के लिए नहीं आया। सोचा अच्छी बात है, कोई काम में बिजनेस में बिजी होगा, अच्छी बात पैसे का। लेकिन जब दो महीना हो गया ना तब भी वो पैसा देने नहीं आया। जब इसे छह महीना बीत गई, बोले भैया राम नाम सत्य तो नहीं हो गया, उसको ज्यादा तो पैसा कमा नहीं लिया। वो देखने के लिए आया, देखने के लिए आया तो क्या दुकान मकान, क्या आलिशान मकान बनाए, करोड़ों करोड़ रुपया की गाड़ी सामने खड़ी हुई है, नौकरा दास दास कितने काम कर रही है। इतने में वो व्यक्ति आकर के ओ उसको बोलता है, बोले भैया तुम मेरे को पहचानते हो, तुम मेरे को पहचानते हो, जो भिखारी था ना। कहते तो तुम कौन हो? कहते तुम कौन हो? बोले मैं कौन हूँ यार, याद है तू भीख मांगते मांगते मेरे दरवाजा पर आया था, ये सारे बिजनेस मैंने तुमको दिया है, कितना तय किया हुआ था 10% मेरा और 90% तुम्हारी, लेकिन छह महीना हो गया तुम मुंह भी दिखाने तक नहीं आया, क्या चक्कर है? हैं क्या चक्कर क्या है? इतने में वो जो भिखारी कह रहा है, बोले किस चीज का 10%? काम करूंगा मैं, नौकरी करूंगा मैं, दिन रात मेहनत करके पैसा मैं कमाऊंगा, तेरे को मैं बैठ बैठ करके 10% दूंगा। वो व्यक्ति कह रहा है, किसको कह रहा है? मालिक को। अगर ऐसे कोई व्यक्ति बोलता है तो आप ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? बोला अब वैसे क्या भाषा है इस व्यक्ति के लिए? अरे बोलो, हंस रहे हो क्या? बोलो, प्रभु जी कहते नमक हराम, बेईमानी, धोखेबाजी, ऐसे बोलोगे ना? जानते हो धोखेबाजी नमक हरामी कौन है? हम ही है, हम ही वो धोखेबाजी नमक हराम, हम ही है। अब ये बताओ जो जन्म लिया है, जब जन्म लिए हो साथ में क्या लेकर के आए थे? अब बताओ क्या साथ में लेकर के आए थे? बोलो, एक कौड़ी भी लेकर के आई थी? कुछ लेकर नहीं आए। लेकिन ये भगवान, ये मानव शरीर हमें ये पशु पक्षी जानवर जीवन में भेज सकता था, पेड़ जैसे खड़े है ना वो पेड़ जन्म भी दे सकता था, लेकिन ठाकुर जी हमें वो पेड़ जन्म जानवर गधे सुअर जन्म नहीं दिया, बड़े सुंदर हमें ये इंसान का जीवन दिया। वो चाहता तो देखना कितना लोग रोड में बैठे हुए भीख मांग रहे, उसी घर में मेरे को हमको जन्म दे सकता था, दे सकता था कि नहीं? नहीं दे सकते, लेकिन हमें ठाकुर जी बढ़िया घर में दिया। कितने लोगों को देखो अंधे होकर घूम रहे, लंगड़े लुड़े होकर घूम रहे, घूम रहे कि देखे कि नहीं? लेकिन ठाकुर हमें लंगड़े लुड़े अंधा भी बना सकता था, लेकिन ठाकुर जी हमें अंधा नहीं बनाया, लंगड़े लुड़े नहीं बनाए ठाकुर जी, हमें बड़े सुंदर मानव शरीर दिया है। इसलिए कहते देत ईश विनु हेतु सनी, भगवान राम कह रहे अयोध्या वासियों को, ठाकुर जी कैसे कृपा करके हमें ये मानव शरीर दे दिया। बड़े भाग मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, इसलिए बड़े भाग्य से भगवान हमें मानव शरीर दिया, इतने बुद्धिमान बनाया, हमें पागल भी बना सकता था लेकिन पागल नहीं बनाया, इंटेलिजेंट हमें बनाए, है ना? भगवान हमें सब कुछ ठाकुर ने हमें दिया है, लेकिन ठाकुर जी कहते भैया सब कुछ मैं तेरे को दे दिया सारे बिजनेस, लेकिन एक काम करियो। बोले क्या काम करना? बोले 10% मेरे को दो और 90% तू रख ले। 10% किसको दो? मेरे को, 90% तू रख ले। मतलब क्या? वो हमसे पैसा नहीं मांग रहा है, 90% वो पैसा हमसे नहीं मांग रहा है, समय मांग रहा है। हमें 10% समय दे दो और तू अपना घर गृहस्थी का काम सारा दिन करो, लेकिन केवल हमको 10% दो। हैं 10% मतलब क्या? पैसा नहीं, समय। और 24 घंटा को अगर 10% लोगे कितना समय होता है? इसमें 2 घंटे 40 मिनट होता है। कितना होता है? 2 घंटे 40 मिनट। ठाकुर जी कहते हैं भैया मेरे को 2 घंटा 40 मिनट केवल दो और तू दिन भर घर गृहस्थी करो। लेकिन हम ऐसे नमक हरामी है ना, सूरदास का पद है, जिनी तनु देही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी मो सम कौन कुटिल खलकामी, सूरदास का पद है। कैसे नमक हरामी, जिसने सब कुछ दिया उसको ही तो भूल कर बैठ गया और दिन भर संसार को पीछे लगे हो। किसको पीछे लगे? अरे जोर से बोलो, संसार को पीछे लगे। आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं, ध्यान देकर सुनो। संसार में देखना अक्सर करके जो ज्यादा काम करते हैं ना दूसरे के लिए, अपना पति को कैसे खुश रखे, अपना बेटा को कैसे खुश रखे, अपना पत्नी को कैसे खुश रखे,
अपना सास ननद को कैसे खुश रखे, देखना उनके लिए जता करते हैं। अपना लिए तो देखोगे घर में रसोई बनाती होगी, कभी कभी ऐसे हो जाते हैं सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन नमक से कभी कभी रोटी खा लेते हैं। खाते थे कि खाई हो, कभी कभी खाई हो, लेकिन अभी ये बताओ, अब ये बताओ, सब कुछ हम संसार के लिए करते हैं, एक बात ये बताओ, अभी भी तुम्हारी ऊपर में संसार में कोई खुश है तुम्हारी ऊपर में? बोलो, अभी तुम्हारी परे घर में कोई खुश है तुम्हारी परे में? देखना तुम्हारे पीछे चुगली के सिवाय और कुछ भी नहीं होती होगी, चुगली के सिवाय संसार में कुछ भी तुम्हें देने वाले नहीं, लेकिन जो चुगली करेंगे उसी के लिए तो दिन भर लगे हुए हो। लेकिन एक समय भगवान की अंगुल घट गया, द्रौपदी ने देखते देखते ठाकुर जी अपना साड़ी को फाड़ करके भगवान की अंगुल में उन्होंने बैंडेज कर दी। ठाकुर जी इतने रीझ गए, मतलब कब मेरे को मौका मिले इसका ऋणी मैं कब चुकाऊं। अभी सुन रहे थे ना, भरी सभा में जब उसकी लाज जा रही थी, जिसका पांच पांच पति कोई काम में आए, कोई इसकी आए तो कौन काम में आए? ठाकुर जी आए। कोई भी उसकी काम में, भैया हमारी काम में कोई भी आने वाले नहीं है, तुम्हारी काम में कोई भी आने वाले नहीं, अगर आएंगे तो केवल गोविंद देव ही आएंगे और कोई नहीं आएंगे, इसलिए उनके लिए क्या करो 10% दो। कितना परसेंट दो? 10%। मतलब क्या? पैसा नहीं, समय। तो समय क्या देनी चाहिए? भगवान कलयुग में अपना नाम रूप में आए हैं, कितना हरि से बड़ा हरि का नाम है, मतलब है 2 घंटा 40 मिनट कम से कम उसका हरि नाम करो। ये जो हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम और कर जोर दो, जोर कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम करना। बताओ तो कौन 10% देने के लिए तैयारी हो तुम्हारी अंदर? हाथ उठाओ तो कौन 10% देगा? बोले समय भजने के लिए हाथ कोई नहीं उठा रहा, क्या चक्कर है? हाथ उठाओ। हाँ, अगर 10% नहीं दे सकते हो, इसके लिए 5% दे सकते हो? दे सकते कि नहीं? 5% मतलब 1 घंटा 10 मिनट। अगर 5 पहले हो, अगर 5% नहीं हो सकता, 2% दे सकते हो? कौन 2% देगा? हाथ उठाओ तो। हाँ, कंसेशन मिल रहा है, इसलिए मतलब आधा घंटा भी भगवान की हरि नाम के लिए आधा घंटा दो। देखो आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो? कौन कौन ने सुने चैतन्य महाप्रभु का नाम? हाथ उठाओ तो। हाथ नहीं उठा, क्या चक्कर है? नाम नहीं सुने चैतन्य महाप्रभु? इधर देखो, एक समय भगवान एक सुंदर शिक्षा दिया, भक्तों ने भगवान से निमंत्रण दिया, प्रभु हमारे घर में आपकी भोजन है। भगवान एक शिक्षा देने के लिए बोले, मैं सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले प्रभु आप किसको घर में भोजन करते हो? आज से 5.5 साल पहले। बोले जिसको जो लखपति होगा उसको घर में भोजन करूंगा। उस समय लखपति मतलब साधारण बात नहीं, एक रुपया एक एक स्वर्ण मोहर, जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर होगा उसको घर में भोजन करूंगा। भक्त तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हम तो कभी जिंदगी में लखपति क्या, हमारे घर में 100 रुपया नहीं, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मोहर, क्या फिर हमारे घर में भोजन नहीं करोगे? देखो ठाकुर जी क्या शिक्षा दिया, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन? बोले रोजाना जो ठाकुर का 1,00,000 नाम जप करते हैं वही असली लखपति। इसलिए मीरा कहती हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊ गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी हो काल हुए। असली वही, इसलिए महाप्रभु भक्तों ने देखो हमारे प्रभु जी को, देखो इधर देखो, माला छोड़ नहीं रहे सवेर 4 बजे से लेकर के देखो अभी तक 1,00,000 माला प्रभु, 1,00,000 हरिनाम करते प्रभु। ये जो प्रभु जी बैठे है ना इधर, ये तो 2 बजे वृंदावन में 2-2.5 बजे उठ जाते हैं प्रभु जी, वो करके 2:30 बजे से लेकर के बस हरिनाम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारे अंदर में बहुत सारे भक्त लोग है जो 1,00,000 हरिनाम करते हैं, जानते ही यही धन ही काम में आएगा। इसलिए आप लोगों ने जो वो कहते हैं रसखान, उनका एक शब्द है,
हाँ क्या उनका नाम याद नहीं आ रहा, कहते जगत में मरने में सब जगह डरे, कहते मेरा मन आनंद। उन्होंने वो कहते हैं जगत में सबके सब मरने के लिए डरते हैं लेकिन मेरा मन खुश हो रहा है, कबीर दास। कबीर कहते हैं मरने में सब जगह डरे, बताओ कोरोना आया था सबको बंद कर दिया ना, लेकिन मेरा मन आनंद। किसने कहा भैया मरने के लिए सब डरते, तू क्यों खुश हो रहे हो? देखो कितना बड़ी बात कहता है, बोले कब मरिए कब भेटियो परमानंद, बोले इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ जिंदगी भर मैंने हरि का नाम जप किया है, इसलिए मेरे को पता है मेरे लिए भियाई भी व्यवस्था होगा, मेरे लिए विमान रथ आएगा लेने के लिए, क्यों? जिंदगी भर प्रभु का भजन किया। बोले दुनिया दुखी क्यों हो रहे हैं, मरने के लिए चाहते नहीं क्यों, डरते हैं क्यों? बोले जानते ना प्रभु का भजन नहीं किया, गले में रस्सी बांध करके कहते 90,000 योजन तक गर्म रेतियों के ऊपर घिसटते हुए ले जाएंगे जो हरिनाम नहीं करेगा, कुत्ते सियार बीच बीच में नोच नोच कर खाएंगे, इतना नहीं उसको बैतरणी नदी पार करना पड़ेगा। अब एक गरुड़ पुराण पढ़ाया होता है ना, गरुड़ पुराण सब कुछ वर्णना किया, जो टाटी पेशाब पी खून का उसको पार होने के लिए 13 दिन लगती है, इसलिए आप देखना 13 दिन बाद में शुद्धि क्रिया क्यों होती है, वो बैतरणी नदी पार करने के लिए उसको 13 दिन लगता है, हैं? टाटी पेशाब कोड़े मार मार करके उसको पार कराएंगे, फिर 84 नरक में भोग कराएंगे, इसलिए दुखी होते हैं, हैं? लेकिन वो व्यक्ति कौन जिसको गले में कंठी नहीं होगा, तिलक नहीं होगा, जो हरिनाम नहीं करते, और जो हरिनाम करते, कबीर कह रहे जो हरिनाम करते हैं उसके लिए तो रथ आएगा, रथ में बैठ करके वो ठाकुर के पास में जाएंगे, इसलिए कहते हैं भैया मैं तो खुश हो रहा हूं, कब मरियो, जल्दी जल्दी मरे, जो इतने जिंदगी भर प्रभु का नाम जप किया वो सारे को सारे मेरे लिए दीन दीन बड़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पा, ठीक है ना, इसलिए कम से पहले 1% शुरू करो, 1% मतलब 1-2 माला पहले करो, धीरे 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 कोशिश करना 2% करने के लिए, धीरे धीरे करना 3% दो, उसके बाद में 4, धीरे धीरे बढ़ाओ, लेकिन पहले जीवन में पहले कम से 2 माला तो करो ठाकुर जी के लिए, ठीक है ना, करोगे? कौन करेगा, हाथ उठा, हाथ उठा, हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? हाँ इसलिए जब कथा खत्म हो जाएगी ना आप लोग एक एक में माला दूंगा, ठीक है, और नीम की माला दूंगा, उसमें प्रैक्टिस करते रहना, और हमारे प्रभु जी यही जयपुर में प्रभु जी इंचार्ज प्रभु जी है, ये इनका जो परिवार के पूरा के पूरा इनका परिवार के लोग उत्सव में सब उत्सव में आते हैं, आप लोग भी बीच बीच में आया करना, ठीक है, वहां पर बड़ी बड़ी उत्सव राधा अष्टमी जन्माष्टमी होली बड़ी सुंदर रूप में मनाया जाता है मंदिर में, आप लोग धीरे धीरे कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, इसलिए भगवान की कृपा से ही ये सत्संग मिलती है, ठीक है, इसलिए और लास्ट में एक एक माला ले जाना, ठीक है, जिनको पास में माला नहीं, माला लेकर प्रैक्टिस करना, कोशिश करना धीरे धीरे बढ़ाने के लिए, जब सही सही जप करोगे प्याज लहसुन छोड़ दोगे, फिर इसको बाद में तुलसी माला लेकर के गले में कंठी धारण करते हुए भगवान की भक्ति करना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये घर का और आपका बेटा कहाँ गए? अरे इनके बेटा कौन है? मुकेश जी। हाँ देखो ये मुकेश जी और किताब है। हाँ आप लोग ना देखो कोशिश करना हर आपको पर दायित्व है, हर एकादशी में कोशिश करो आपका घर घर में थोड़ी थोड़ी कीर्तन हो, सबके सब देखो वहां पर कोई खर्चा की कोई बात नहीं, किसको कुछ देने का जरूरत नहीं, कोई खर्चा के लिए जरूरत नहीं, केवल इकट्ठे होकर के थोड़ी सी ताली बजाते हुए अगर मजरा ढोलकी हो घर में कीर्तन हो, क्योंकि जिनके घर में ये हरि कीर्तन हो कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी, घर का सारे अमंगल दूर हो जाता है, घर में पृथ्वी का सारे तीर्थ वही वृंदावन धाम बन जाता है, बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार बनता है, आपको घर घर में यहाँ पर कोशिश करना घर घर में हर एकादशी को एक अलग भक्त हो, हर एकादशी का, और प्रभु जी यहाँ पर प्रभु जी रहेंगे तो प्रभु जी आ जाएंगे, आप लोगों को थोड़ी अच्छी बात भगवान की कथा सुनाएंगे, भजन की बात बताएंगे, ठीक है, कोई खर्चा पड़ी कोई जरूरत नहीं है, अगर हो सके किसको हाथ में एक केला दे सकते हो एक केला बा कोई फल दे सकते हो, नहीं दे सकते तो कुछ भी खर्चे करने का जरूरत नहीं, केवल बिछाने के लिए ऐसे दरी रख लेना और सब भक्त लोग आए, थोड़ा हरि का कीर्तन हो, थोड़ा हरि चर्चा हो, ठीक है भैया, धीरे धीरे यहाँ के लोग कोशिश करो भक्ति में धीरे 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 जोड़ने के लिए,
और प्रभु जी को घर में बुला देना। इधर आ जाओ। अरे हमारे प्रभु जी इंचार्ज प्रभु जी सुंदर गोपाल प्रभु जी आपको थोड़ी सी कोई अच्छी बात बताएं। इधर आ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग उत्तर देना। अर्जुन और दुर्योधन में क्या अंतर था? महाभारत युद्ध हुआ था ना, अर्जुन और दुर्योधन में क्या अंतर था? दुर्योधन के पास भगवान कृष्ण गए, उन्होंने बोला कि तुम युद्ध मत करो, पांच गांव दे दो, मैं पांचों पांडवों को समझाऊंगा कि पूरा राज्य उनका तुम रखो, केवल पांच गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा। उसने उनकी बात मानी या नहीं मानी? नहीं मानी। क्या हुआ फिर? पूरा कुल ही सर्वनाश हो गया। अर्जुन बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको पूरा राज्य लेने दो, मैं युद्ध क्यों करूं, तो मेरे अपने भाई है, मैं इनको क्यों मारूं, मुझे युद्ध नहीं करना। भगवान ने बोला नहीं अर्जुन तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। और दुर्योधन को क्या बोला था? कि युद्ध मत करो। उसने भगवान की बात नहीं मानी और अर्जुन ने भगवान की बात मानी। क्या हुआ फिर अर्जुन को? पूरा राज्य मिला, उसकी जय हुई। तो अब प्रश्न है कि हमें भगवान की बात माननी है या नहीं माननी है? माननी है। तो हम क्या बन जाएंगे? भक्त, जैसे अर्जुन भक्त थे। और जो लोग भगवान की बात नहीं मानते वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? दुर्योधन की कैटेगरी में आएंगे। तो हमें, हमारे शीला स्वामी महाराज जी बोलते थे कि हमें कृष्णा का यस मैन बनना है। क्या बनना है? यस मैन। जो भी कृष्ण बोलेंगे हाँ उसमें मेरा मंगल ही होगा। जैसे डॉक्टर ने बोला कि देखो भाई आपका कैंसर का फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में कैंसर जब होता है तब डायग्नोज होता नहीं है, कोई सिम्टम आते नहीं। डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर, उसने पहचान लिया, उसने बोला अब ये दवाई खाना शुरू करो, बच जाओगे। अरे मुझे तो कुछ होता ही नहीं शरीर में, मैं क्यों दवाई खाऊं? जैसे कई बार लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे चेस्ट में, हार्ट में हमें वो डालना पड़ेंगे, स्टेंट डालने पड़ेंगे, नहीं तो दो महीने बाद हार्ट अटैक आ जाएगा। तो डॉक्टर की बात मानते हैं या नहीं मानते? ऑपरेशन करा लेते हैं। उसी प्रकार से हमें भगवान कृष्ण की बात मानने से मंगल होगा या अमंगल होगा? मंगल होगा। और नहीं मानेंगे तो अमंगल होगा। तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण स्वयं इस कलयुग में महाप्रभु के रूप में आए। जब आप गोविंद देव जी के मंदिर में जाओगे वहां सामने देखा होगा नृत्य करते हुए ऐसे हाथ करके खड़े हुए हैं, वो गौरांग महाप्रभु हैं। इसलिए गोविंद देव जी का जो द्वार है उसका नाम है गौरांग महाप्रभु द्वार। तो स्वयं कृष्ण आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने सन्यास लिया। भगवान स्वयं सन्यासी बन गए और पूरे भारत में, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में जाके उन्होंने सबसे भिक्षा मांगी। अगर हमारे द्वार पे साक्षात गोविंद आ जाएं और भगवान हमसे कुछ भिक्षा मांगे तो हम द्वार बंद कर देंगे या उनका स्वागत करेंगे? स्वागत करेंगे कि मेरे द्वार पे साक्षात भगवान आए हैं, मेरे से कुछ भिक्षा मांगने आए हैं, तो मैं क्यों नहीं दूंगा, उसमें मेरा अपना मंगल ही है। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने पूरे जगत वासियों से एक भिक्षा मांगी। क्या मांगी? जीव जागो गौरा चांद बोले, कतो निद्र जाए माया पिशा चीर कूले। कि जीव जाग जाओ भाई, अब तो जाग जाओ, कितना समय सोते रहोगे। मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। क्या मांगने आया हूँ? हरि नाम औषधि मांग, हरि इनेची औषधि माया नाशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मांगी। मैं तुमसे ये बोलने आया हूँ कि तुम हरि नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो। मीराबाई तो बहुत बड़ी रानी थी, किसी चीज का कमी था? वृंदावन में आराम से रह के भजन करती थी। राजस्थान में जो पूरा रेगिस्तान है वहां पे गली गली में भटक रही है और क्या बोल रही है? ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज शोर मचाऊं गली गली, शोर मचा मचा के बोल रही है। तब माइक नहीं होते थे, शोर मचा के बोलना पड़ता था कि भाई भगवान का नाम ले लो। तो हमको साक्षात भगवान कृष्ण आए महाप्रभु के रूप में, इतने सारे साधु आते हैं, क्या बोलते हैं? भगवान का नाम ले लो। किस लिए बोलते हैं? उनको कुछ कमीशन मिलती है, उसमें हमारा ही मंगल होता है। और हमारी भारतीय संस्कृति भी यही सिखाती है लास्ट में कि राम नाम सत्य है, वो ही हमारे साथ जाएगा। तो अगर जो सत्य वस्तु है उसको अगर हम अभी ही समझ लें और हम कुछ समय भगवान को देना शुरू करें तो इससे हमारा मंगल होता है। और दूसरा क्या मांगा था? स्वयं
महाप्रभु ने अपनी माता जो यशोदा मैया है सच्ची माता उनका हाथ हाथ में अपने ले लिया और बोले मुझे एक वर चाहिए, मुझे ये वर देना कि तू पूरा जीवन एकादशी व्रत का पालन करना, जिसको यहाँ पे ग्यारस का व्रत बोलते हैं। इसलिए देखा होगा गोविंद गोपीनाथ जी में सबसे ज्यादा भीड़ होती है उसी दिन होती है। तो जो ग्यारस का व्रत है उसको साक्षात कृष्ण तिथि बोलते हैं, साक्षात माधव तिथि है वो, स्वयं कृष्ण ही उस दिन अपने आप को तिथि के रूप में प्रकटित करते हैं। और उस तिथि का पालन करने से क्या होता है, अगर हम लोग एकादशी व्रत पूरा जीवन रखते हैं फिर हमें भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता, भगवान ढूंढते हैं जयपुर में विद्याधर नगर में कौन कौन से घर ऐसे हैं जो एकादशी व्रत का पालन करते हैं, वो फिर उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसलिए एकादशी व्रत आप सब लोग जरूर रखना। एकादशी व्रत अब तक हमारे पूर्व इतिहास में जितने भी संत हुए हैं उन सब लोगों ने भी इसी व्रत को रखा है, चाहे वो मीराबाई हो, ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, अमरीश महाराज हो, पांच पांडव हो, यहाँ तक कि कृष्ण के जो अपनी मैया थी यशोदा मैया और नंद बाबा वो भी इसी एकादशी व्रत को रखते थे। अगर आप वृंदावन जाओगे वहां सोम मंगल व्रत के कोई व्रत नहीं रखता, सब एकादशी व्रत रखते हैं। अयोध्या में जाके देखो जितने संत हैं सब राम जी के उपासक एकादशी व्रत रखते हैं। तो आप लोग एकादशी व्रत जरूर रखो और भगवान का नाम एक संकल्प लो कि मैं चार माला करूंगा या आठ माला करूंगा या करूंगी, एक संकल्प लेके भगवान के नाम का अभी से ही आज से ही नाम जप करना शुरू करो। जैसे महाराज जी बता रहे थे कि बाद में यही जाएगा, लास्ट में डॉक्टर भी क्या बोलता है, डॉक्टर भी क्या बोलता है, ऐसे कर देता है, किसके हाथ में है, ऊपर वाले हाथ में। कभी आप देखना जब डॉक्टर कोई आपको मेडिसिन देता है डॉक्टर की पर्ची के ऊपर लिखा होता है RX, उसकी सारी पर्ची पे जितने भी डॉक्टर है सबकी पर्ची पे RX प्रिंटेड होता है। क्यों, मेरे पास दो लोग आए दोनों को डेंगू, दोनों को मैंने सेम मेडिसिन दिया, एक का ठीक हो गया एक का नहीं हुआ, तो गलती किसकी है, डॉक्टर की तो गलती नहीं है, बीमारी भी दोनों डेंगू थी, दोनों को बीमारी सेम डेंगू हुआ, सेम उम्र है दोनों की, दोनों ही हट्टे कट्टे थे, एक मर गया एक बच गया, डॉक्टर का गलती, दवाई का भी गलती नहीं, किसका गलती, हमारे अपने कर्म। इसलिए डॉक्टर दवाई के ऊपर लिख के रखता है RX, भाई दवाई देना मेरे हाथ में है, वो काम करेगी नहीं करेगी वो तुम्हारे अपने कर्मों के हाथ में है। इसलिए हम लोग अगर भगवान का नाम लेते हैं तो हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम लेने से भगवान का नाम, उनका रूप, उनकी गुण, उनकी लीला, उनका परिकर, उनका धाम, सब कुछ उस नाम के अंदर ही है। बताओ रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि जी ने। उनको सीता जी कौन थी, दशरथ जी कौन थे, राम जी की सारी लीला उनको किसी ने सुनाई थी, उनको किसी ने नहीं सुनाई थी, उनको नारद जी ने केवल एक नाम दिया था, कौन सा नाम दिया था, राम। और वो राम बोल पाए थे, उनके मुख से राम भी निकलता नहीं, इतने पाप किए मुख से मरा मरा निकलता है, चलो मरा मरा ही बोलते रहो। तुलसी मेरे राम को रीज भजे या कीज, भौम में पड़ा जामे उल्टा सीधा बीज। अगर बीज कोई उल्टा सीधा जैसे भी गिरे अंकुरित तो वैसे ही होते हैं, उसी प्रकार से भगवान का नाम जब वो मरा मरा करके उनको राम मिल गए तो सोचो क्या राम राम करके हमें राम नहीं मिलेंगे, कोई संदेह ही नहीं है। केवल भगवान के नाम से उन्होंने भगवान की सारी लीलाओं को देख लिया और बैठ के इतनी सुंदर ग्रंथ रामायण लिख डाला। तो भगवान के नाम से ही भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान के नाम को छोड़ के कलयुग में और कोई भी साधन नहीं है। एक ऐसा भक्त बताओ, पूर्व इतिहास में भक्तमाल सुनी होगी, भागवत सुनी होगी, रामायण सुनी होगी, भारत में तो हजारों लाखों भक्त हुए हैं, एक ऐसा भक्त बताओ जिसको शनिवार को कुत्ते की रोटी खिलाने से भगवान की प्राप्ति हुई, या कोई ऐसा भक्त बताओ जो सूर्य देव को जल दे रहा था और उसको भगवान की प्राप्ति हुई, कोई ऐसा भक्त बताओ जिसने पीपल के या पेड़ की पूजा करी हो, परिक्रमा करी हो, उसको भगवान की प्राप्ति हुई, कोई एक भी ऐसा भक्त सुना है क्या? ये सारे क्या है, ये सब पंडों ने अपने पैसे कमाने के लिए धंधे खोल रखे हैं। कलयुग में केवल भगवान के नाम की ही महिमा है। तुलसीदास जी का नाम ले लो, जिन्होंने हमारी वाल्मीकि जी लिखी, रामायण लिखी है, वाल्मीकि जी हो गए, नारद जी हो गए, ध्रुव महाराज हो गए, प्रहलाद महाराज हो गए, पांच पांडव हो गए, ब्रज की गोपियां हो गई, कितने सारे संत हैं। सब संतों ने भगवान को कैसे प्राप्त किया है, सब लोगों ने एक ही मार्ग से प्राप्त किया है, वो क्या है, भगवान का नाम। भगवान के नाम को छोड़ के और कोई भी साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। भागवतम का आरंभ कैसे होता है, भागवत तो जगह जगह पे होती है, गली गली में 88,000 ऋषि बैठे थे यज्ञ करने के लिए, दो चार पांच दिन नहीं हजारों साल बीत गए थे, कुछ खाया पिया नहीं था, और यज्ञ के सामने बैठे बैठे उनके पूरे शरीर धुएं से काले हो चुके थे और शरीर उनका पूरा ताप से जर्जरित हो रहा था, और उन्होंने देखा भाई इतने हजार साल यज्ञ करने के बाद भी हमें भगवान के दर्शन ही नहीं हुए। फिर क्या किया,
सुखदेव गोस्वामी जी से भागवत कथा सुनी और लास्ट में उनको उन्होंने क्या बोला, नाम संकीर्तनम यस्य सर्पा प्रणाशनम। भागवत का अंत भी होता है भगवान के नाम की महिमा पे, कि मैं भगवान को प्रणाम नहीं करता, मैं तो भगवान के नाम संकीर्तन को प्रणाम करता हूँ। कलयुग में भगवान का नाम लेने मात्र से ही बहुत जल्दी एक जीव को परम गति प्राप्त होती है, और कलयुग में सबसे आसान है भगवान की प्राप्ति। सत्युग द्वापर त्रेता में तो पता नहीं कितने पापड़ वेलने पड़ते थे, हजारों साल तपस्या कर रहे हैं, लाखों साल यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन कलयुग में तो बताया, जब परीक्षित महाराज जी के पास कलयुग आया, चार जगह पे स्थान दिया महाराज जी सुना रहे थे, लेकिन उनको वो स्थान नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर भी कलयुग को क्यों आने दिया, कि कलेर दोषा निधे राजन अस्ति ही एको महत गुणा। कलयुग में हर जगह दोष ही दोष है, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में, वो क्या है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। अगर कोई कलयुग में भगवान का नाम कीर्तन करता है तो उसको मुक्ति के पीछे नहीं भागना पड़ता, साक्षात मुक्ति उसके सामने आ जाती है। तो कलयुग में भगवान की प्राप्ति इतनी सरल हो गई, इतनी सरल। और अब भी अगर हम लोगों ने भगवान का नाम नहीं लिया तो शास्त्र कहते हैं उससे बड़ा आत्मघाती, उससे बड़ा दुर्भाग्य इस जगत में और कौन हो सकता है, फिर हमसे बड़ा दुर्भाग्य इस जगत में और कोई नहीं है। इसलिए खुद भी नाम लेना है और अपने बच्चों को भी भगवान के नाम लेने की शिक्षा देनी है। बच्चों को शिक्षा कौन देगा, पड़ोसी देंगे, यूट्यूब देगा, फेसबुक देगा, कौन देगा, माताएं ही देंगी। इसलिए बच्चों से क्या करवाना है, नाम करवाना है। शास्त्र तो ये तक बोलते हैं कि जो माँ अपने बच्चे को भक्ति में नहीं लगा सकती, उस गर्भ के लिए रामचरितमानस में आता है, स गर्भ शुक्री समान, और पुत्र वही पुत्र है, पुत्रवती युवती जगसोई, जातु सुत हरि भक्त होई। वास्तविक में उसका गर्भ धारण करना तभी सार्थक है जब अपने पुत्र को क्या करती है, भगवान के भक्ति में लगाती है। आप क्या चाहते हो, आपके पुत्र अर्जुन बने, दुर्योधन बने, तो अर्जुन बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, उनको संस्कार देने पड़ेंगे। इसलिए आप लोग अभी से ही भगवान का नाम लो और बच्चों से भी भगवान का नाम करवाना आरंभ करो। यही हम लोग आपसे इतनी दूर प्रार्थना करने के लिए आए हैं। इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देते हैं। नीता एक बार प्रेमानंदे हरि बोल। क्या मुकेश प्रभु जी है, जो कहा है मुकेश प्रभु, इनके पास आप डायरी में अपना नाम और नंबर लिखवा देना, सबको ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, और साथ में ये भी लिखवाना कि आप लोग कितनी कितनी माला करोगे, फिर बीच बीच में पूछते रहेंगे कर रहे हो या नहीं कर रहे, बढ़ रहे हो या घट रहे हो, पता चलते रहना चाहिए, ठीक है। कौन बनेगा यहाँ पर, भगवान कहते कौन बनेगा, लखपति, देखो लखपति कैसे बना, जैसे ये माला है, जैसे ये अंगुल उसमें नहीं लगानी चाहिए, देख लो अच्छे तरह से, ये अंगुल को इसमें नहीं लगानी चाहिए क्योंकि गंधा, हम कहते हैं तुमको देख लेंगे, सबसे पहले कौन अंगुल निकलता है, ये अहंकार का प्रतीक है। जैसे इसको हाथ को ऊपर रख करके, जैसे हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोल कर ना इसमें एक मोती सरकता है, फिर हरे कृष्ण, कोई भोग लगा रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दो मोती करते करते देखो अच्छे तरह से देखो, जैसे यहाँ खत्म हो जाए, इसको पार मत करो क्योंकि ये राधा कृष्ण का स्वरूप है, इसको पार नहीं करनी चाहिए। जो एक एक मोती है ना, ये बीच में राधा गोविंद है और ये मोती एक एक गोपियों का ग्रुप है, मानो बीच में राधा कृष्ण को रख करके ये रास कर रहे हैं, ये माला नहीं ठाकुर जी रास कर रहे हैं। जैसे यहाँ खत्म हो जाए, इसको पार नहीं करके इसको ऐसे घुमा दो, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करना, याद रहेगा, जैसे खत्म हो गया पार नहीं करके फिर घुमा करके दूसरे तरफ से करना। हाँ, एक लाख कैसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया, 16 बार हो गया, इसमें 108 मोती है, हैं? अगर ये माला को 16 माला अगर कर लिया तो हिसाब से होता है 25,000, अगर किसी ने दिन में 64 माला कर ली ना, 1,00,000, कितना हो गया, ये भगवान 1,00,000 बोले, 1,00,000 तुमने माला नहीं की, आज तुम्हारे 1,00,000 रुपया माला नहीं ये माल है, तुम्हारे नाम पर बैंक में डिपोजिट हो गई 1,00,000 रुपया। बोले भैया ब्याज कितने मिलेगी, बोले दिन बड़ा तो सवाल, आज अगर 1,00,000 किया ना, कल तुमको 1,25,000 मिलेगी और 4 दिन में 2,00,000।
चार दिन में 2 लाख, मतलब इसमें इतने प्रॉफिट ही इसमें है, इसलिए हरे कृष्णा। माला माला कौन जप करना चाहते हैं? जो माला जप करेगा ना, आ जाओ इधर आ जाओ, जो माला लेने वाले हैं और यहीं पर बैठ के एक माला कर लेंगे, आ जाओ इधर आ जाओ, माला करो। देखो ये इसी माला के लिए कोई नियम नहीं है, अगर प्याज लहसुन खा रहे हो ना खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करना, जैसे छूट जाए फिर आपको तुलसी माला दूंगा। ये नीम माला दे रहा हूँ, ये तुलसी माला नहीं, ये नीम माला है। जब पूरा छूट जाएगी फिर हम आपको तुलसी माला देंगे, गले में भी।